देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोटावेटर के जो सीआईएल वाला पोर्शन होता है, गियर ऑयल जहां डाला जाता है, वहां पे एक एयर ब्रीदर चीज़ लगी होती है। वो एक्चुअली क्या होती है वो आपको दिखाता हूं। फिलहाल हम उसको खोल रहे हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ वो कैसा होता है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आमतौर पर एयर ब्रीदर लगाया जाता है कि आपका जो एयर ब्रीदर सीआईएल है, जो आपका गियर ऑयल है, उसमें मॉइस्चर वगैरह ना जाए, उसके लिए हम एयर ब्रीदर का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है और कैसे लगता है। दो मुझे ये सामने आप जो आइटम देख रहे हैं, ये इसको एयर ब्रीदर बोलते हैं, रोटावेटर में लगता है ये। ये और भी तरीके के मॉडल्स में आता है। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये कृषि किंग के रोटावेटर में लगाने के लिए हम लाए हैं। ऊपर के साइड में जो होल देख रहे हैं, वहीं से जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये पूरा सेट है। अगर इसके ऊपर का सिर्फ आप लेंगे, पूरा सेट अगर आप लेते हैं तो 110 रुपये के आसपास पड़ेगा, और अगर आप सिंगल सिर्फ ये टॉप लेंगे तो ये करीब 55 रुपये के आसपास पड़ेगा। अभी ये लगाइए, ये आपको यहीं पे लगाना है जिसमें आप सीआईएल डालते हैं। यहाँ पे आराम से आप इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से ये आराम से सेट हो जाएगा। और ये नमी के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, ताकि अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना रुके। एयर ब्रीदर नाम से ही आता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये वाला भैया, ये वाला भी खोल के देख लीजिए। देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है, और अलग अलग कंपनी के अलग अलग रोटावेटर्स इसमें अलग अलग मॉडल्स के आते हैं। कुछ में दूसरे टाइप का आता है, इसमें फ़िलहाल जो देख रहे हैं ये इस तरीके से आता है। तो ऐसा करता हूँ, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देसी एग्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।